बहुत ही मजेदार सा चॉकलेट चिप एंड बनाना पैनकेक्स। और आप देख रहे हैं कि पैनकेक्स को मैं स्टेक कर रही हूँ, क्रीम है, बनानास के फ्रेश स्लाइसेस हैं इसके साथ और पैनकेक्स हैं, इसकी लेयर्स हम लगाएंगे। तो बेसिकली ये पैनकेक क्या, ये तो पूरा केक ही बन जाएगा अगर आप इसको थोड़ा टाइम देके जरा काम, ये जो मैं जरा बड़ी जल्दी में कर रही हूँ, अगर आप यही काम जो है ना थोड़ा सा स्टाइल से करेंगे तो ये आपके बनानास और पैनकेक मिलके ना एक केक की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। तो बाहर इस तरह से लेयर करेंगे हम कि पहले क्रीम लगाई, फिर बनाना, उसके ऊपर बनाना स्लाइस रख के, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पैनकेक रखा, फिर दोबारा से वही प्रोसीजर किया, ठीक है। और फिर एंड में आप ये हमारे पास बहुत ही मजेदार सी चेरीज हैं, अगर आपको स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज मिल जाती हैं आप उससे इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि ये बनाना पैनकेक्स हैं और चॉकलेट चिप है इसके अंदर, तो आप इस तरह से ये बनाना के स्लाइसेस भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं ताकि जो खाने वाला है उसको पता चले कि क्या चीज़ आपने इसके अंदर डाली है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो हो गया रेडी सेट, और यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, जो हमने चिकन बनाई है ग्रिल वेजिटेबल के साथ, मैंने आपको बताया ओरिजिनली ये बेसिकली जो रेसिपी है। अच्छा, ये थोड़ी सी क्रीम रह गई है तो उसको एक कनेल की शक्ल में हम, ये हो गया कैनेल की शक्ल में, इसको टॉप कर देते हैं एंड मे बी यू कैन प्लेस अ चेरी ऑन टॉप विच इज नॉट गोइंग टू फॉल, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। ये कर दिया तो ये तो हो गया रेडी। थोड़ा सा चॉकलेट अगर सिरप है आप उससे थोड़ा सा इसको डेकोर इसका कर देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दिस इज रियली डिलिशियस। अच्छा, और एंड में फिर हम इसको शुगर से हम डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपने आइसिंग शुगर ली, उससे डस्ट कर दिया अराउंड, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, ये हो गया रेडी सेट। और जी, ये वाली चिकन आपने देखा कि किस तरह से मैंने ग्रिल वेजिटेबल्स को साइड में रखा, बीच में ये चिकन को हमने लेंथ वाइज दो दो हिस्सों में काट लिया, और फिर एंड में आप ये जो जबरदस्त सा चिली सॉस है ना, आप इससे इसको सर्व कर दें तो ये बहुत मजा आएगा। अच्छा, मैं ज्यादा इसलिए नहीं डालूंगी तो फिर चिकन जो है ना वो छुप जाएगी, ऑलरेडी छुप गई है, तो खैर आप घर में होंगे तो आप इसको अच्छा सा गार्निश कर लीजिएगा। और ये भी सेट हो गया, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, अनार के जूस के साथ इसको सर्व करें। आजकल अनार का मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त आ रहा है ना, अनार आना शुरू हो गए हैं, तो अनार आ रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली थोड़ी सी अरबिक डिशेस भी सिखाऊंगी, और क्या सिखाऊंगी, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगी। जरा से हाथ साफ कर लूँ फिर बताती हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको आज की ये डिश जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इतना मुंह में पानी आ रहा है कि वो अल्फाज जो है ना वो बड़े गोल गोल हो रहे हैं, कुछ अजीब से हो रहे हैं। अच्छा, तीन मिनट हैं टोटल हमारे पास, तो एक मिनट मुझे चाहिए होगा। तीन मिनट में से राबिया रिजवान ने लिखा है कि प्लीज़ रेसिपीज़ पोस्ट कर दिया करें, आपकी रेसिपीज़ पोस्ट नहीं होती हैं। आज की पोस्ट हुई है, कल की हुई है, ये लोग पता नहीं कब कब की मांग रहे हैं, पिछले महीने की मुझसे कुछ लोग मांग रहे हैं, तो आई रियली डोंट नो कि हम क्या करें उन रेसिपीज़ का, कोई किताब छपवा देते हैं, है ना। सादिया राणा ने लिखा है कि आई एम बैक, सो वेलकम बैक। अरीशा दिल ने लिखा है, हाय शेफ, आई लाइक योर शो, इट इज़ वेरी नाइस, सो थैंक यू। इरम सलीम ने लिखा है कि नाइस एग प्लांट डिश, और इस मौसम में एग प्लांट और दूसरी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वेरी गुड, तो बनाएं, जी भर के पकाएं। सुंदर शहजाद ने लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, कोई मैसेज ही नहीं लिखा, कोई अजीब सा सवाल का निशान लगे हुए हैं। सादिया मोएज ने लिखा है, मुआज ने लिखा है, ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। किरण जही ने लिखा है कि कभी हमारा कुछ मूड नहीं होता पकाने का, कोई ऐसी डिशेस बताएं कि बस उसको मिक्स करें और अवन में डालें और वो पक जाएं और बस तैयार हो जाएं और हम लोग खा लें, तो ऐसी कौन सी डिश हो सकती है, ऐसी बहुत सारी होती हैं। मेरे भाई कनाडा गए थे एक दफ़ा, जो पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम था, तो वो बताते थे कैसेरोल, तो कैसेरोल एक ऐसी डिश होती है, एक बड़ी सी डिश होती है, उसके अंदर सब चीज़ें मिक्स की, बेक किया और खा लिया। तो कैसेरोल्स भी आपको बनाना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाऊंगी, बस आप शो देखते रहे, मिस करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मिस हो जाती हैं, बिकॉज मैं हर एक की फरमाइश को
मद्देनजर रखती हूँ और मैं अक्सर बनाती हूँ ऐसी चीजें जो आप लोग फरमाइश करते हैं, अक्सर क्या हमेशा वही बनाती हूँ, तो एनीवेज बनाएंगे वो भी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे कल कुछ नई डिशेस के साथ, कुछ नई बातों चिटचैट के साथ और एक नए चाय के कप के साथ। तो टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज़।